हे hey दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऐप लेके आया हूँ जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, नोस्त्रा प्रो ऐप। नोस्त्रा प्रो एक स्पोर्ट्स फैंटेसी और स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन ऐप है जिसमें आप फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल के बहुत पैसे कमा सकते हो। इस ऐप को एंड्रॉइड, iOS और अपने कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो। वाओ, पहली बात, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपको 100 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा, और अगर आप पहली बार पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको 100% बोनस मिलेगा। इस ऐप में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, कबड्डी जैसे अलग अलग इंटरेस्टिंग गेम्स है। इसमें आप दो तरीके से खेल सकते हो। पहला, पिक्स फॉर्मेट। इसमें आप बस कुछ क्वेश्चंस के सही प्रेडिक्शंस चूज करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में कौन जीतेगा। दूसरा, ड्रीम टीम। यहाँ बेस्ट 11 प्लेयर्स को चूज करके आपको एक टीम बनाना होगा और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स और पैसा मिलेगा। आपके जीते हुए पैसे आप डायरेक्टली पेटीएम या फिर बैंक में इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो। यह ऐप हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाओ इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो और बहुत पैसे कमाओ। जल्दी से डाउनलोड करो मेरे यारो। SCP-035 एक सिंपल सा दिखने वाला मास्क है जिसे एक ग्लास कंटेनर में सील करके रखा जाता है, और तो और वो ग्लास कंटेनर एक स्टील और आयरन से कवर्ड रूम के अंदर है जिसके बाहर हमेशा कम से कम 2 आर्म गार्ड्स रहते ही है इस मास्क की पहरादारी करने। गार्ड्स का SCP-035 के रूम के अंदर जाना स्ट्रिक्टली मना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इस साइट पर हमेशा एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है, और तो और किसी भी रिसर्चर का इस मास्क को टच करना अलाउड नहीं है। पर इतना ज्यादा हाई लेवल का सिक्योरिटी बस इस मास्क के लिए? यकीनन ये कोई साधारण मास्क तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि SCP फाउंडेशन इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी भी बेकार से मास्क के लिए इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। SCP-035 व्हाइट चीनी मिट्टी से बना एक कॉमेडी मास्क है, पर उसका एक्सप्रेशन कभी भी चेंज हो सकता है, फ्रॉम हैप्पी टू सैड। और एक हैरान कर देने वाली बात ये है कि मास्क के एक्सप्रेशन के साथ साथ उसके फोटोज, फुटेजेस और उसके ड्राइंग्स के भी एक्सप्रेशंस अपने आप चेंज हो जाते हैं। अगर मास्क का एक्सप्रेशन हैप्पी है तो फिर उसकी जितनी भी फोटोज, वीडियोस, इलस्ट्रेशंस है उन सब में भी वो स्माइल करता रहेगा, और अगर एक्सप्रेशन सैड हुआ तो बाकी सब फोटोज, वीडियोस में भी वो सैड ही दिखेगा। SCP-035 के आंख और मुंह के होल से हमेशा काफी डेंजरस लिक्विड रिलीज होता है, और इस लिक्विड को छूना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये लिक्विड किसी भी चीज को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। इसीलिए SCP-035 को हमेशा स्ट्रॉन्ग ग्लास कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि ग्लास पर इस लिक्विड का असर इतना जल्दी नहीं होता। कोई भी इंसान अगर SCP-035 के पास आया तो उसको वो मास्क पहनने का बड़ा मन करेगा, और यही वो रीजन है जिसके लिए SCP-035 को कंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि गलती से भी अगर आप इसे पहन लेते हो तो उसी टाइम आप मर जाओगे। दरअसल होता ये है कि जो भी इसे पहनता है उस इंसान का ब्रेन डेथ हो जाता है, फिर वो तुरंत मर जाता है, और अब उस इंसान का शरीर SCP-035 के कब्जे में होता है। जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी इस मास्क के कब्जे में आ जाता है तो इसका उस बॉडी पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। अब ये मास्क बात कर सकता है, चल सकता है और कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। इंटरव्यूज के दौरान SCP-035 ने ये कहा है कि हिस्ट्री के कई बड़े बड़े इवेंट्स में वो रहा है और उसने सब कुछ देखा है। SCP-035 की मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प है, और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सालों पहले हुई घटनाएं जिनके दौरान वो वही मौजूद था, उसको वो सब कुछ अभी तक पूरे डिटेल में याद है। रिसर्चर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि SCP-035 काफी इंटेलिजेंट है और उसके बात करने का तरीका भी बहुत चार्मिंग है। SCP-035 ने रिसर्चर्स को दूसरे SCPs और हिस्ट्री के बारे में भी काफी कुछ बताया है। हालांकि जल्द ही इंटरव्यूज को रोकने का ऑर्डर दिया गया, क्योंकि SCP-035 का नेचर कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेटिव है, और वो सामने वाले के सोचने का तरीका चेंज कर सकता है अपनी बातों से। कई रिसर्चर्स इंटरव्यू के बाद सुसाइड करने की कोशिश किए, और कुछ तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं और अकेला रहना चाहते हैं।
SCP-035 इंसानों के दिमाग पर हमला करता है और उसने ये खुद कहा है कि अगर उसे ज्यादा टाइम मिला तो वो किसी भी इंसान के सोच को बदल सकता है और अपने हिसाब से कुछ भी सामने वाले के दिमाग में भर सकता है और ये सब सिर्फ वो बातों से ही कर लेता है। इस मास्क को जब एनिमल्स पर ट्राई किया गया तो कोई काम नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं। एक बात काफी अजीब है और वो ये कि SCP-035 सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि इंसानों की शेप्स के मैनिक्विन, स्टैचूज और इंसानों के डेड बॉडीज को भी पोजेस कर सकता है। लेकिन जिसको भी ये पोजेस करे ये ज्यादा टाइम तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडीज डीकम्पोज हो जाते हैं और मैनिक्विन स्टैचूज खराब हो जाएंगे। एक बार SCP-035 ने कुछ रिसर्चर्स को कन्विंस किया उसे आजाद कर देने के लिए, पर उसका ये अटेम्प्ट फेल हो गया। साथ ही जिन भी रिसर्चर्स ने उसे भागने में मदद करी उन सबको निकाल दिया गया। SCP-035 ने बहुत रिक्वेस्ट की है SCP-4715 और SCP-682 से मिलने के लिए, पर उसके इस रिक्वेस्ट को हर बार रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि रिसर्चर्स को इस बात का डर था कि कहीं SCP-035 इन दोनों SCPs के सामने आने पर इन्हें काबू ना कर ले, क्योंकि ये दोनों SCPs बिल्कुल भी नहीं मरते। तो अगर SCP-035 ने इन दोनों में से किसी भी एक के बॉडी को पोजेस कर लिया तो हमेशा के लिए SCP-035 को एक ऐसा बॉडी मिल जाएगा जो कभी डिकम्पोज नहीं होता। SCP-682 की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और अगर आप SCP-4715 के बारे में जानना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर लो ना, आ ही जाएगा कभी ना कभी चैनल पे। वैसे भी मैं वो लड़का हूँ जो एक ही टॉपिक को दो पार्ट्स में खींचता है, तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं दो करेक्ट टॉपिक्स के बारे में एक ही वीडियो में बता दूं। कुछ और एस्केप अटेम्प्ट्स के बाद SCP-035 को परमानेंटली सील कर देने का ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद SCP-035 को कभी भी कोई बॉडीज या स्टैचूज नहीं भेजे जाएंगे। इस ऑर्डर के आते ही काफी सारे स्टाफ जो इस मास्क के कांटेक्ट में आए थे उन सभी ने SCP फाउंडेशन के इस डिसीजन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। कुछ तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गए थे। SCP फाउंडेशन इस तरह के बिहेवियर्स को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते, तो आखिर में उन सबको निकालना पड़ा, जिसके बाद SCP फाउंडेशन को समझ आ गया कि ये कितना ज्यादा पावरफुल मास्क है। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ कि अब SCP-035 को स्ट्रॉन्ग स्टील और आयरन से कवर्ड एक रूम में रखा जाता है, पर क्या इससे सब ठीक हो गया? जी नहीं। अब SCP-035 के रूम के वॉल से वही कोरोसिव लिक्विड रिलीज होने लगा जो उसके आंख और मुंह के होल से निकलता है। जल्द ही वॉल्स में अलग अलग भाषाओं में कुछ पैराग्राफ्स अपीयर होने लगे जिनको अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया जा सका। इटालियन, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत, ये चारों भाषाएं, और रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस के डायग्राम्स वॉल्स पे दिखने लगे। और तो और जब रिसर्चर्स इन डायग्राम्स और पैराग्राफ्स को स्टडी करने SCP-035 के सेल में गए तो उन्होंने ये फील किया कि उनके कानों में कोई फुसफुसा रहा है और एक डरावनी हंसी जो बार बार उनके कानों में बजती जा रही है। साथ ही वो स्टाफ जो SCP-035 के सेल के बाहर अपनी ड्यूटी करते हैं उनको भी स्ट्रेंज फील होता है। जल्द ही शायद SCP-035 को एक नए सेल में भेजा जाएगा और पुराने सेल को साइट से मिटा दिया जाएगा। हम सब ये आशा करते हैं कि SCP-035 को न्यू सेल में अच्छे से कंटेन करके रखा जाए, क्योंकि अगर ये शैतान एस्केप कर निकल जाए तो पता नहीं कितनी लाशें गिरेंगी।